बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहावा कैंपस। आई एम सुंदर सयास। आई हैव डन BSIT फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 3 ईयर्स एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क खुद क्या है, और एक नेटवर्क के अंदर दो डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा किस तरह से शेयर कर सकते हैं, आज हम ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि फाइल्स हमारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट इसके कॉन्टेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन नेटवर्क की डेफिनेशन, देन हम इसके मेजर यूजेस पे आएंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, कि इसमें देखें लिखा हुआ है अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब क्या है इस बात का कि दो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद वो किस तरह से अपना डाटा, अपने इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब इन रिसोर्सेज में आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस भी आ सकती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आपको पता है, जैसा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास प्रिंटर, स्कैनर और दूसरी हार्ड डिस्क, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। जब भी आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो वो किसी ना किसी मीडिया के थ्रू होगा, किसी ना किसी पाथ के थ्रू होगा, किसी ना किसी चैनल के थ्रू होगा। तो जिस पाथ के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू वो कनेक्ट होगा, उसे हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कोई भी कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, तो वो फिज़िकल केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन के साथ हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दूँगी। फिज़िकल केबल, जब भी आप अपना कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर में कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वाईफाई भी आप कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई डिवाइस ले सकते हैं, उसके साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वायरलेस कनेक्शन की बात की जाए, तो उसमें आप ईवो डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, कि ईवो के साथ कोई केबल वगैरह नहीं होती, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन बी सेम एज इन अ रूम। अच्छा, जो भी कंप्यूटर आपका नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप एक रूम में उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक बिल्डिंग में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप किसी डिफरेंट प्लेसेस पे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, यूजेस आर बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे सबसे पहला यूज़ इसका ये है कि नेटवर्क्स आर यूज्ड टू एक्सेस शेयर डेटा। नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने अपना कोई डेटा शेयर किया होता है उसको एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक यूज़र है और वो FB यूज़ कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे है वो, और वो कोई भी अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड करता है या फिर वो कोई क्लिप आर्ट देता है, तो जिन यूज़र्स का इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, जिन यूज़र्स का नेटवर्क के साथ एक्सेस है उनकी, तो वो उस चीज़ को देख भी सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपके पास कि सम नेटवर्क्स आल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कुछ नेटवर्क आपको ये टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि आप ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, इन चीज़ों को भी सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। नेटवर्क आर यूज्ड टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन का ये एक बहुत ही ईमेल भी एक सोर्स है, ठीक है। हमें ईमेल, हम लोग ईमेल को यूज़ करते हैं जिसमें हम टेक्सचुअल मैसेजेस वगैरह को यूज़ करते हैं, लेकिन अब ईमेल के साथ हम अटैचमेंट फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं।
फाइल्स को अटैच हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें हम ऑडियो क्लिप वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भी सेंड कर सकते हैं और डिफरेंट फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेटवर्क आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ईजीली। नेटवर्क्स को हम यूज़ करते हैं दुनिया में कहीं पे भी, अगर आपको आप किसी के साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, किसी के साथ अपना लिंक रखना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपना, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क बाय मल्टीपल यूजर्स। सॉफ्टवेयर की कोई भी एक कॉपी, उसको आप मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अभी जैसे कोई भी यूज़र है वो इंटरनेट के साथ उसकी एक्सेस है, कोई एक सॉफ्टवेयर है जैसे एक व्हाट्सएप है, एक यूज़र के पास व्हाट्सएप है और दूसरे यूज़र के पास नहीं है, वो उस एप्लीकेशन की कॉपी ले लेगा और अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर लेगा। तो ये क्या हुआ कि इंटरनेट की एक्सेस के साथ आपको आप इस चीज़ को जो है वो ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और आगे उसके टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी बेसिकली फोर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ लैन, मैन, वैन एंड पैन। ठीक है, तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अच्छा लोकल एरिया नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और ये एक स्मॉल एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला नेटवर्क है। उसके बाद इस नेटवर्क को हम एक ऑफिस में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक बिल्डिंग में बना सकते हैं या फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि लैन इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज। सेम वही चीज़ है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि लैन को भी हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके पास हार्डवेयर प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, लाइक आपके पास हार्ड डिस्क और प्रिंटर वगैरह भी आ सकते हैं। अच्छा, लैन कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। इस बात का क्या मतलब है कि लैन, देखें एक बात आप याद रखिएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जब आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो जितने कम कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है, उसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसकी एग्जांपल ईवो की है। जैसे ईवो अगर दो लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लाइक आपका डाटा ईजीली आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ईवो उसी ईवो के साथ अगर 5 to 6 पीपल अटैच हो जाएँ तो आपकी ईवो काम करना छोड़ देती है, वो उस तरह से एक्सेस नहीं देती जिस तरह से लाइक दो लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हों तो वो उस टाइम जो उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है उतना, 5 to 6 पीपल अगर ऐड हों तो उतना डाटा ट्रांसमिशन रेट नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास कि इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो 10 Mbps to 1000 Mbps तक है। देन बहुत ही फास्टर है, वही चीज़ है इसमें, लैन कैन ट्रांसमिट डेटा इन लिमिटेड डिस्टेंस। मैंने यही बात की है कि लैन आपका डेटा जो है वो बहुत ही लिमिटेड डिस्टेंस पे आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है और इसमें हमें बहुत ही छोटी सी वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, लाइक एक सिंगल केबल वगैरह अगर हो जाए तो उसके साथ हम अपने कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ये एक डायग्राम बनी हुई है, इस पे ये जो सेंटर में है ये एक डिवाइस है, लाइक ये एक आपका कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स हब या स्विच यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ये आप इसको कह लें कि ये एक सेंट्रल पाथ है, ठीक है, जिसके साथ आपके ये डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। इसके साथ सर्वर भी कनेक्ट है और इसके साथ प्रिंटर भी कनेक्ट है, जो एक दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने डेटा को ट्रांसमिट करवा रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा कि सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट है, अब टीचर जो है टीचर के पास बहुत सी
फैसिलिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स को अवेल करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को परमिशन चाहिए होती है। जैसे एक कॉलेज है तो कॉलेज में अगर उन्हें इंटरनेट की एक्सेस चाहिए तो उन्हें वैसे तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अगर वो अपने टीचर से परमिशन लेते हैं तो उस टाइम पर उन्हें एक्सेस मिल सकती है। सो इसी तरह से क्लाइंट कंप्यूटर भी होते हैं, एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए क्लाइंट कंप्यूटर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये एग्जांपल है आपके पास, कॉलेज की एग्जांपल है, कॉलेज में कंप्यूटर लैब की एग्जांपल है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी कॉलेज की, तो कंप्यूटर लैब अगर आपके कॉलेज में लाइक 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है, और कंप्यूटर लैब आपके सेकंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे उसके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, सेकंड फ्लोर पे थोड़े से कम आ रहे होते हैं, और थर्ड फ्लोर पे बिल्कुल ही एंड हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, तो उसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक वो एक लिमिटेड डिस्टेंस पे अपने इंटरनेट की जो नेटवर्क की जो एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके यूजेस और एडवांटेजेस आ जाते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स इन लेंथ। सॉफ्टवेयर की एक कॉपी होगी या किसी फाइल की कोई भी फाइल हो गई आपके पास, उसको कॉपी करके आप मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सिस्टम रिसोर्सेज वाली बात आ गई है इसमें। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डेटा स्टोर्ड ऑन सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लेंथ। इस पॉइंट में जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर है वो आपके पास सर्वर कंप्यूटर है, कि आपके पास जो डेटा है, जो सर्वर कंप्यूटर पे डेटा है, आप उसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द डेटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड। जो सर्वर कंप्यूटर पे डेटा है आपका, वो उसको कॉपी करना या उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो सिक्योर होता है, उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल के जैसे आपके कॉलेज का कंप्यूटर है, कोई सर्वर कंप्यूटर है, लाइक आपके एडमिन में अगर जो कंप्यूटर है आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसकी परमिशन नहीं है, आप अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं। आपको तब तक नहीं परमिशन मिलेगी जब तक आपको एडमिन वाले खुद परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो डाटा आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा और बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय भी कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, या कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसको उस डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स यूजिंग लैन, और डाटा को शेयर किया जा सकता है लैन के थ्रू। नेक्स्ट है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये भी कंप्यूटर नेटवर्क की एक टाइप है, सेकंड टाइप है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मेन इज़ लार्जर देन लेन बट स्मॉलर देन वैन। मतलब क्या है इस बात का, कि मेन लेन से बड़ा होता है लेकिन इसका स्कोप वैन से कम होता है, ठीक है। इट यूजली यूज टू कनेक्ट टू आर मोर लेन इन अ सिटी और अ टाउन। इसमें आप दो या दो से ज़्यादा लेंस को कनेक्ट करवा के एक मेन को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी टाउन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल से यहाँ पे, कि जैसे एक सेम सिटी है आपके पास और उसमें एक कंपनी है, उस कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि एक कॉलेज है, एक सिटी है, उसमें कोई भी एक कॉलेज है, आगे उसी के ब्रांचेस हैं। जैसे अगर हम बात करें सुपीरियर कॉलेज की, बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो उसके बहुत से कैंपस हैं, तो वो एक सिटी में इस्लामाबाद आपके पास जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपस हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल आपकी मेन में आ जाएगी। केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है मेन की। नेक्स्ट एडवांटेजेस में क्या है, कि मेन कवर्स अ लार्जर एरिया देन लैन। वही बात जो मैंने पीछे की है, कि लैन जो है, मेन जो है वो लैन से बड़ा है लेकिन वैन से कम उसका स्कोप है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, इट प्रोवाइड हायर डेटा स्पीड देन लैन। जब ये दो लेंस को कनेक्ट करेगा तो इसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो भी हाई हो जाएगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये लेंस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लैन, क्योंकि लैन में आप एक सिंगल केबल को यूज़ करते हैं, आपको वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक सिंगल छोटी सी वायरिंग की, लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये।
क्योंकि मेन जो है वो लेन से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल को देखें, एक डायग्राम मैंने दी है यहाँ पे, तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये एक लेन है और एक लेन ये है। इन दो लेन्स का एक सेंट्रल पॉइंट ये वाला है और इसके साथ अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा एक मेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टाइप है वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ही एक टाइप है। यहाँ पर वेन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है। उसके बाद ये कंप्यूटर को और बहुत सी डिवाइसेस को सिटीज़ के अंदर या फिर कंट्रीज़ के अंदर कनेक्ट करवाता है। वेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेन्स टुगेदर। वेन क्या करता है कि बहुत सी सेवरल लेन्स आ जाती हैं जिनको कनेक्ट करवा के एक वेन बनती है। उसके बाद इसको हम लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। वेन का जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो है 56 किलोबिट पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट पर सेकेंड तक। बट वेन एक्सपेंसिव है लेन से, लेकिन ये लेन की तरह फास्ट नहीं है। क्यों लेन की तरह फास्ट नहीं है? क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, एक लार्ज एरिया को ये कवर करती है। लेन सिर्फ एक ऑफिस को, एक बिल्डिंग को या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग को कवर करती है, ठीक है। तो इसलिए वेन उतनी फास्ट नहीं है जितनी लेन है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें तो मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है कि बहुत सी लेंस हैं और सेवरल लेंस को ये कनेक्ट करता है। पीछे पॉइंट में भी मैंने बता दिया है। बट अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे छोटी टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क की वो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका स्कोप सबसे कम है। उसके बाद मेन आ जाता है जो ये सिर्फ एक ऑफिस को कवर करता है या एक बिल्डिंग को कवर करता है, ये सेवरल बिल्डिंग्स को कवर करता है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कवर करता है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द लार्जर कंप्यूटर इज नाउन एज होस्ट कंप्यूटर। जो लार्जर कंप्यूटर है आपके पास, लाइक वाइड एरिया नेटवर्क में जो सबसे लार्जर कंप्यूटर होता है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा हम उसे ISPs भी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। अच्छा, एक पर्सनल कंप्यूटर जब होस्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है तो वो डाटा को अपलोड भी कर सकता है और डाटा को डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नाउन एज अपलोडिंग। जो डाटा आप अपने PC से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट कंप्यूटर पे। होस्ट कंप्यूटर का मैंने क्या बताया है कि वाइड एरिया नेटवर्क में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो होस्ट कंप्यूटर होता है। लाइक उसमें वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जब आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने PC से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट कंप्यूटर पे, लाइक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपका डाटा ये उस नेटवर्क पे आना चाहिए, इंटरनेट पे आना चाहिए, तो हम उस डाटा को अपलोडिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम होस्ट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे कोई डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। इसके अलावा फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स में पहले से इंस्टॉल किया होता है ये, और ये आपको एक्सेस देता है। अच्छा, इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वेन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ATM की एग्जाम्पल है, नाद्रा ऑफिस की एग्जाम्पल है। अच्छा, ATM की एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से है, जैसे आप अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका ATM कार्ड रावलपिंडी का बना हुआ है और आप किसी दूसरे सिटी में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ATM की ज़रूरत है, तो आप वापस रावलपिंडी नहीं आएंगे अपनी कैश लेने, ठीक है। उसके लिए आपको वहाँ पे ही बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप ATM को ले सकते हैं, अपने कैश जो है वो निकलवा सकते हैं। तो ये वैन की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद नाद्रा ऑफिस है। नाद्रा ऑफिस आप देखते हैं कि सिर्फ एक सिटी में नाद्रा ऑफिस नहीं है, ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में नाद्रा ऑफिस है और वो एक डेटाबेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं,
कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, इंटरनेट कनेक्ट मिलियन ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, और इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ये लाइक जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये इसको यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट इसकी टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस टेक्नोलॉजी में आ रही हो, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो अबाउट 30 फीट होती है। द डिवाइसेस में इंक्लूड, इसमें बहुत सी डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमराज, मीडिया प्लेयर एंड प्रिंटर। पेन एनेबल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट शेयर डाटा, पेन डिवाइसेस को इस काबिल बनाता है, लाइक एनेबल बनाता है कि वो डाटा को शेयर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब आप एग्जांपल देख रहे हैं कि पेन लाइक इसमें एक रेंज दी गई है जिसके थ्रू आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, शेयर हो सकता है। ये आगे एग्जांपल्स हैं, इसमें सेलफोन भी है, ब्लूटूथ भी है, और इसके अलावा प्रिंटर वगैरह भी है, मॉनिटर है जिसके थ्रू आप अपना डाटा शेयर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इसमें कि पेन कैन बी यूज्ड टू मूव और ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम अ स्मार्टफोन टू द लैपटॉप। लाइक इसकी रेंज इतनी होती है कि आप स्मार्टफोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तभी वो आपके डाटा को शेयर करेगा। और यहाँ पर इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके पास हॉटस्पॉट की, ठीक है। कि हॉटस्पॉट अगर आपके पास मोबाइल में अगर इंटरनेट है तो आप उसको कनेक्ट करवाना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ तो वो कनेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के लाइक अगर वो दूसरे रूम में भी है यूज़र तो उसके लैपटॉप के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत कम सिग्नल्स देगा, लाइक उसके सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ब्लूटूथ है, दो डिवाइसेस जब बिल्कुल लाइक हम उन्हें पास रखते हैं तो तभी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन अगर वो थोड़े से डिस्टेंस पे भी चली जाती है तो सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं या वो आपके डाटा को एक्सेस नहीं देता। थैंक यू सो मच।